सेवन सी अंगद। आगे बेटा ब्रिंग इट। हाँ क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, इलेवन नंबर। दे वॉन्ट्स क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आगे? हैड द डिसीजन टेकन बाय दे वॉज राइट। उसने लैंप को किससे कवर कर दिया? एक कपड़े से कवर कर दिया, क्लोथ से कवर कर दिया। इज दिस डिसीजन टेकन बाय द देव इज करेक्ट अंगर? गिव मी द आंसर। ठीक यस ओके ठीक है। यस का रीजन बताइए क्यों। टेकन बाय हिम इज करेक्ट। ओके रीजन बताइए मुझे क्यों करेक्ट है बेटा। जरा माइक हाथ में उठा लो एक बार। हाँ क्यों करेक्ट है ये रीजन? अच्छा वॉल्यूम कम आ रहा है बेटा आपका काफी ना मुझे। चलो एनी हाउ चलिए गो बैक टू योर सीट। बेटा आप मुझे ये बताइए, जब बल्ब ऑन होता है तो क्या वो हीट प्रोड्यूस करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो वो हीट हमारे रूम टेम्परेचर से ज्यादा होती है या कम होती है? हाँ जी सेवेंथ है फर्स्ट स्टूडेंट बताइए बेटा। सेवेंथ है जिसका जिसने अभी हैंड नीचे किया। मैं हाँ तो ज्यादा होती है बल्ब की हीट, तो क्या वो हमारे कपड़े को बर्न नहीं कर देगी? ऐसा भी हो सकता है ना, अगर ओवर द नाइट बहुत लॉन्ग टाइम तक हमने क्लोथ बल्ब के ऊपर डाल के रखा तो कपड़ा ही बर्न हो जाए। इज इट पॉसिबल? क्योंकि वो हीट किसी चीज को बर्न करने के लिए सफिशियंट होती है। अगर उस बर्निंग लैंप के ऊपर अगर आप अपना हाथ रखोगे तो आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, तो कपड़ा बर्न क्यों नहीं होगा? ठीक है सो द डिसीजन इज नॉट राइट। ठीक है बच्चे, द डिसीजन टेकन बाय देव इज नॉट राइट। लिख लीजिए। तो फिलामेंट टाइप बल्ब जो लास्ट क्लास में हमने देखा था ना, बल्ब ग्लास वाला, वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है समझ आई ये चीज? चलिए तो द डिसीजन इज नॉट करेक्ट बिकॉज द फिलामेंट टाइप बल्ब, बिकॉज द फिलामेंट टाइप बल्ब प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट। ड्यू टू विच फिलामेंट टाइप बल्ब प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, ड्यू टू विच द क्लोथ विल बर्न। क्लोथ विल बर्न। ओके सेकंड पार्ट लिखिए बेटा सबने इसका आंसर। हाँ जी सेकंड पार्ट, व्हाट इंस्टेड ऑफ फिलामेंट बल्ब कैन ही यूज टू गेट डिम लाइट इन दिस केस? अब वो क्या करे, उसको तो डिम लाइट चाहिए, उसको लाइट ऑफ भी नहीं करनी है, लाइट डिम भी चाहिए उसको, तो वो क्या करे? कौन बताएगा मुझे इसका रीजन? यस सेवेंथ जी, सेवेंथ जी हर्षिता। यस सेवेंथ जी हर्षिता। बताइए दिख नहीं रहे हो बेटा। व्हाट इंस्टेड ऑफ फिलामेंट बल्ब कैन ही यूज टू गेट डिम लाइट इन दिस केस?
चलिए वनीत सेवेंथ जी, वनीत सेवेंथ जी, मोहन मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? सेवेंथ ए द सेम क्वेश्चन कि वो उसकी जगह क्या यूज कर सकता है? सेवेंथ ए नितिन दी, सेवेंथ ए नितिन दी, वो क्या यूज करे बेटा इसकी जगह? यस सेवेंथ ही बेटा, देखो क्या यूज कर सकते हैं उसकी जगह, जो नेचुरल हमारे कलरफुल बल्ब्स आते हैं कम वॉट वाले, दोज बल्ब्स कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ दिस फिलामेंट टाइप बल्ब बिकॉज दे गिव वेरी लेस लाइट। आपने देखा भी होगा रेड कलर के बल्ब, ग्रीन कलर के छोटे छोटे बल्ब आते हैं, वो रूम में लाइटनिंग भी रखते हैं और लाइट को डिम भी कर सकते हैं, उनकी बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट नहीं होती। ठीक है, सो इसका आंसर आप लिख लीजिए, ही कैन यूज नेचुरल नेचुरल कलर लाइट बल्ब, नेचुरल कलर लाइट बल्ब विथ लेस पावर, विथ लेस पावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कंज्यूम्स द लीस्ट इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रोड्यूसिंग द सेम अमाउंट ऑफ लाइट। अब मुझे सेम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, इनमें से कब सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कौन कंज्यूम करेगा? सीएफएल, एलईडी, फिलामेंट बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, यस कौन देगा मुझे आंसर? सेवेंथ बी हर्ष केची, सेवेंथ बी हर्ष केची, आ जाओ बेटा आ जाओ जल्दी से। हर्ष कहना है को बोलने दो बेटा एक बार आंसर, अदरवाइज आई विल टेक द टेन टर्न टू अनदर बी ऑप्शन। ठीक है, इट्स एलईडी बेटा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? लाइट एमिटिंग डायोड, लिख लो बेटा। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। और अगर इसके अंदर क्वेश्चन आ गया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कौन लेगा, ये तो लीस्ट का क्वेश्चन था ना, अगर मैक्सिमम पूछ लिया जाए आउट ऑफ दिस विच विल गिव द मैक्सिमम? यस हर्ष, अच्छा आप चले गए वापस। कौन सा जो है, सीएफएल, एलईडी, फिलामेंट बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, विच विल टेक द मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी? फिलामेंट बल्ब, यस। ठीक है, फिलामेंट बल्ब जो हमारे वो जो हमने उस दिन देखा था बल्ब, वो बल्ब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा और सबसे कम लाइट देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ वायर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन? कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, बोथ वन एंड टू। यस सेवेंथ ई, सेवेंथ ई हेरिका, सेवेंथ ही हेरिका। यस सच्ची, विच विल मीन द राइट ऑप्शन? मैम इट्स ए ऑप्शन। ए, ओके, एनीवन एल्स विद डिफरेंट आंसर? ओ आ जाओ आ जाओ, कोई एक ही है? यस बोथ वन एंड टू बेटा। हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो बिजली की तारें होती हैं उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ही वायर्स यूज की जाती हैं।
ठीक है, हमारे जो भी मोटर्स होती हैं, जैसे फैन बिल्कुल के अंदर मोटर्स हैं, मशीन के अंदर वॉशिंग मशीन में मोटर्स हैं, जहां पर भी मोटर्स हैं उनमें वाइंडिंग होती है, जैसे कि सपोज करो ये चीज है, इसके ऊपर तारें लपेटी जाती हैं, और ट्रांसमिशन में भी जो हमारी बिजली की इंसुलेशन वाली तारें होती हैं, ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की, के अंदर भी यही तारे होती हैं। देखी होगी आप सबने, अंदर से चमकती चमकती तारे से निकलती हैं यार, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, अगर सिल्वर सी है तो वो एल्यूमिनियम की हो सकती होती है, अगर ब्राउनिश रेडिश सी है तो वो कॉपर वायर होगी। इज दैट क्लियर? दो तरह की वायर्स आएंगी आपके पास इसमें। चलिए, तो बोथ वन एंड टू, विच वायर इज यूज फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? यस, सेवेंथ है संदीप, सहज दीप, सेवेंथ है सहज दीप। सेवेंथ है सहज दीप। अच्छी है, क्यों जल्दी से बताओ। विच वायर इज यूज फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ए ए, टंगस्टन। ओके, हीटिंग इफेक्ट के लिए। ठीक है, चलिए बैठ जाइए सीट पे, ए है या नहीं चेक कर लेते हैं। नाउ सेवेंथ जी, हाँ जी, कहना सेवेंथ जी, अमरीन चौधरी। हम कहना है मानव एक मिनट बेटा, नाम बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ही पूछ लेते हैं। चौधरी मानव जो, ठीक सेवेंटीन है जी, हाँ जी अमरीन, बताइए बेटा मुझे आंसर जल्दी से। विच वायर यूज फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? नाइक्रोम। ठीक है, वेरी गुड, नाइक्रोम इज यूज फॉर द हीटिंग इफेक्ट बेटा, नाइक्रोम वायर। ठीक है, जो टंगस्टन और सिल्वर है ये यूज नहीं होते, सिल्वर तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी, और टंगस्टन ये कहाँ यूज होते हैं, हमने कहाँ पढ़ा था टंगस्टन? बल्ब के अंदर। ठीक है, जो हीटिंग इफेक्ट, हम बल्ब के अंदर हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहते, वो तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, हमारी डिजायर नहीं है हीट लेने की बल्ब से, हमारा तो पर्पस बल्ब से सिर्फ और सिर्फ लाइट लेने का है, कि बल्ब हम ऑन करें और हमें लाइट मिले। हीट लेना चाहते हो आप? चाहते हो कि बल्ब ऑन करें और हमारा रूम गर्म हो जाए? इसीलिए तो हम शिफ्ट हुए ना सीएफएल पे और एलईडीज पर, कि हीटिंग कम हो जाए। टंगस्टन का पॉइंट कुछ और है यूज करने का, कि वो मेल्ट जल्दी नहीं होता, हमें एक बल्ब में ऐसी मेटल चाहिए जो जल्दी से मेल्ट ना हो, इसलिए हम टंगस्टन यूज करते हैं। बट अगर मेरा पर्पस है हीटर लगाकर रूम को गर्म करने का, तो मुझे हीटिंग इफेक्ट चाहिए, मुझे आयरन करनी है अपने कपड़े तो मुझे हीटिंग चाहिए, अब लाइट की जरूरत नहीं है मुझे इस केस में, मेरा मेन टारगेट क्या है कि मुझे हीट ज्यादा मिले अब। ठीक है, अगर आपने आयरन करनी हो और आयरन का बल्ब बहुत ज्यादा ग्लो करे, तो उससे क्या आपके कपड़े आयरन होंगे या हीटिंग ज्यादा होगी उससे आयरन होंगे? बताइए, तो पर्पस देखना है, हीटिंग इफेक्ट इज नाइक्रोम, राइट बेटा? चलिए, कंप्लीट द टेबल। नाउ द व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग? शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है? हमने लास्ट क्लास में वायर्स पढ़ी थी, तीन तरह की, मैंने बताया भी था आपको, शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, याद है किसी को? जस्ट रेज योर हैंड जिसको याद है, हमने ये पढ़ा था, शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, कुछ कुछ स्टूडेंट, बाकी एब्सेंट थे लास्ट क्लास में। नहीं थे ना, तो क्यों याद नहीं है बेटा? थोड़ा रिवाइज करके आया करो। हमने तीन तरह की वायर देखी थी, एक ब्लैक होती है, एक ग्रीन होती है और एक रेड कलर की वायर होती है। ठीक है, जब इस रेड कलर की और ब्लैक कलर की वायर खराब हो जाती है किसी प्लेस से, तो आपस में एक दूसरे को टच करने लग जाती है, विच कॉल शॉर्ट सर्किटिंग। मैम प्लीज यूज डार्क मार्कर, ये सबसे डार्क ही है बेटा, एक्चुअली ब्लू थोड़ा दूर है, मार्कर तो बहुत डार्क है, बड़ा लिख देती हूँ बेटा, थोड़ा सा आई लाइक साइड, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ।
देखो, अभी भी नहीं दिख रहा। रेड कलर रेड वॉज विजिबल। ब्लू या ब्लैक होता है, इज इट विजिबल नाउ? और एक ग्रीन कलर की वायर होती है, ठीक है? अभी देखो बेटा, विजिबल है तो बताओ मुझे। विजिबल नहीं, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वर्ड भी लिखे हुए नहीं दिख रहे, ब्लर आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? चलो एक काम करते हैं, बाकी के आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। सर जो थेरेटिकली डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। आवाज आ रही है ना ठीक अच्छे से? ठीक यस है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग का रीजन लिख लो, टचिंग ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर। टचिंग ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर। और वे ऑफ प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? यस, किसी का हैंड तो रेज हुआ है। सेवेंथ फ्यूज नहीं, फ्यूज का इसमें रोल नहीं है बेटा। शॉर्ट सर्किटिंग तो वायर्स की टचिंग के कारण हो रही है ना। शॉर्ट सर्किटिंग को पूछ रहे हैं कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर शॉर्ट सर्किटिंग के कारण हम अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को कैसे प्रिवेंट करते, फिर फ्यूज का रोल आ सकता था। अभी तो शॉर्ट सर्किटिंग की प्रिवेंशन पूछ रहे हैं बाय प्रॉपर इंसुलेटिंग वायर, यूजिंग इंसुलेटिंग वायर। कई बार वायर्स पुरानी हो जाती है, बहुत पुरानी, तो उनकी इंसुलेशन खराब हो जाती है, उनको चेंज करवाना पड़ता है। किसी किसी घर में पूरी वायरिंग चेंज होती है, चेंज करवाना पड़ता है उसको टाइम टू टाइम। बट इसमें लिख लो, इंसुलेशन ऑफ वायर शुड बी टेकन केयर। मैम बाय यूजिंग मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बेटा वो तो हमारे शॉर्ट सर्किटिंग होने के बाद इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को बचाने के लिए होते हैं। फ्यूज का काम ये होता है कि करंट को आगे पास ना करें, एक्सेस करंट को। शॉर्ट सर्किटिंग तो कहीं पे भी हो सकती है ना। फ्यूज से तारें निकल चुकी हैं, किसी पर्टिकुलर रूम की वायर में शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। फ्यूज तो हमारे मेन मीटर में लगते हैं ना, अगर उससे पहले दिक्कत आ रही है तो हमारे फ्यूज काम करेंगे। ये तो हम जनरल बात करें कि अगर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है तो शॉर्ट सर्किटिंग को कैसे प्रिवेंट करें, ठीक है? इसके बाद है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होती है? बाय कनेक्टिंग मेनी स्विचेस इन अ सिंगल सॉकेट। बहुत ज्यादा स्विच हमने एक में डाल दिए हैं, ऊपर से नीचे से आगे से, है ना? तो वो लिख लो, बाय कनेक्टिंग तो बेटा लिख लो, सभी लिख लो। लिखो बाय कनेक्टिंग मैनी स्विचेस इन अ सिंगल सॉकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इसमें से कौन से स्टेटमेंट ठीक नहीं है? फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में लगाए जाते हैं फ्यूज, इज दिस ट्रू? जस्ट रेज योर हैंड्स अगर ट्रू है तो। मैम यू डोंट टेल वे ऑफ प्रिवेंट। अच्छा, ओवरलोडिंग का वे ऑफ प्रिवेंशन लिखिए, जो जिस कारण से ओवरलोडिंग हो रही है वो मत करो। आप अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग स्विचेस यूज करो और अलग अलग सॉकेट में लगाओ।
मैम अवॉइड यूज ऑफ मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एट सेम टाइम। हाँ वो भी आ सकते हैं, वो भी रीजन आ सकते हैं कि एक ही टाइम में मैनी इलेक्ट्रिकल डोंट स्विच ऑन द मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एट अ सिंगल टाइम मैम कह पावर रहा विच। है हाँ जी बोलो बेटा क्या बोलना है। मैम यूज ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। किस केस की बात कर रहे हो बेटा, शॉर्ट सर्किटिंग की ओवरलोडिंग की? बेटा ओवरलोडिंग की ओवरलोडिंग और ये जो आप बता रहे हो ना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ फ्यूज बेसिकली, ठीक है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये डिपेंड करता है ओवरलोडिंग किस पॉइंट पर हो रही है, ठीक है। आप लिखना चाहो लिख सकते हो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो एक्सेस करंट जैसे ही आता है तो वो डाउन हो जाते हैं। बट अगर आपने अपने रूम में ये लगा रखा हो, हाँ इसमें आप लिख सकते हो वैसे एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वही लिख लो फिलहाल के लिए। अदरवाइज इसकी प्रिवेंशन में ये भी आ सकते हैं कि मैनी डिवाइसेस जिसके कारण ओवरलोडिंग हो रही है वो एक टाइम में ऑन ना की जाए, या जो सॉकेट है वो अलग अलग में एक पर ही ना हम सारे अटैच, किसी को कहीं पे लगाए किसी को कहीं पर लगाए, विच प्रिवेंट द ओवरलोडिंग एट सिंगल पॉइंट, ठीक है। एक ही पॉइंट पे ना लगाए सारे स्विचेस, ठीक है बच्चे। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलिए। फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल बिल्डिंग, ये ट्रू है। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा फ्यूज की भी रेटिंग होती है कि किस फ्यूज में से कितना करंट पास हो सकता है। कुछ फ्यूज होते हैं आपको पता है करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, ठीक है। इसका सिंबल होता है ए। अगर मैंने लिखा 5 एम्पियर और एक मैंने लिखा 15 एम्पियर, कुछ फ्यूज होते हैं जो 5 एम्पियर की रेटिंग पर चलते हैं और कुछ होते हैं 15 एम्पियर की। मतलब अगर 5 एम्पियर के फ्यूज में से अगर 5.5 करंट भी पास किया जाएगा तो वो फ्यूज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो फ्यूज काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी सही है आपका पॉइंट, देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट, एक लिमिट है फ्यूज में से करंट पास होने की। फिर थर्ड है, देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द सर्किट। देखो ऊपर मैक्सिमम बोल रहे हैं, नीचे मिनिमम बोल रहे हैं, क्वेश्चन पॉइंट बाकी सेम है। डी पार्ट, इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन अ सर्किट इट विल ब्लो ऑफ इफ करंट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। ऑब्वियसली अभी मैंने वो बताया जो फ्यूज है वो ब्लो ऑफ हो जाएगा अगर उसमें से उस लिमिट से ज्यादा करंट पास होगा। अगर मैं 15 एम्पियर वाले फ्यूज में से 16 एम्पियर करंट पास करूं तो क्या वो फ्यूज काम करेगा, मैम नो नहीं नो करेगा। एवरी वन इज सेइंग नो, तो विच वन इज द रॉन्ग ऑप्शन ओवर हियर। ए ए बी सी डी कौन सी रॉन्ग है? फर्स्ट वाली तो बिल्कुल करेक्ट है, लास्ट वाली भी करेक्ट है, तो रॉन्ग बी या सी में से निकलेगी कोई? सी सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। मिनिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम है। मिनिमम का कुछ नहीं है, 5 एम्पियर वाले में से 0.1 भी जा रहा है करंट तो ओके, मिनिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट होती है। अ फ्यूज इज मेड अप ऑफ स्पेशल वायर हूज, किस वायर से बना हुआ है वो? मेल्टिंग पॉइंट हायर होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर देन दोज ऑफ अदर मेटल्स, रेजिस्टेंस इज हायर, रेजिस्टेंस इज लोअर। बेटा ये अभी आप मार्क कर लो, बी आंसर इसका, मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर, ठीक है। अब देखो एक रीजन देखो इसका, सपोज करो एक मेरे पास ये वायर है लेट अस से जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम है, और एक ये वायर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो करंट ज्यादा पास हो रहा है। अब करंट ज्यादा पास होगा तो मेरी तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो जाएंगे ना, मेरी वॉशिंग मशीन है, मेरा माइक्रोवेव है, मेरा टीवी है, एलईडी है, सब खराब हो जाएंगे अगर ज्यादा करंट चला गया। तो ज्यादा करंट जाने से कौन रोकेगा? जब वायर पतली होके मेल्ट हो जाएगी, जो वायर थिन होगी वो मेल्ट हो जाए,
या वो वायर मेल्ट ना हो और करंट को पास होने दे, एक्सेस करंट को, कब हमारे मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सेफ होंगे? एक तो केस है कि वायर में से जैसे ही एक्सेस करंट गया वो टूट जाए बीच में से, एक तो ये केस है। दूसरा केस है कि वो अपने में से ज्यादा करंट पास होने दे रही है और वो मेल्ट ही नहीं हो रही है, देन विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? मेल्टिंग पॉइंट हमारे फ्यूज का कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए? लो लो होगा तो करंट पास होता रहेगा उसमें से, और करंट पास हो गया तो वो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तक भी पहुंचेगा, ज्यादा करंट जो कि हमारे अप्लायंसेस को डैमेज कर सकता है। ठीक है बच्चे, आई रही बात समझिए? यस तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे फ्यूज का कम होना चाहिए। फ्यूज के अंदर एक वायर होती है, जैसे कि ये लेटर से एक फ्यूज है, एक ग्लास फ्यूज है, इसके अंदर एक वायर लगी होती है, इसमें से करंट जाता है। अगर ये वायर में से इसकी नीड से ज्यादा करंट चला गया तो ये वायर बीच में से मेल्ट हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, चलिए 18th क्वेश्चन। What makes the wire of a fuse break when the electricity load is too high? Since it has a low melting point, उसी कारण से वो break होगा। ठीक है? Next question 19. Which of the following precautions need not be taken by using electrical gadgets or appliances circuit? हाँ जी, need not be taken, क्या इसमें से हमें precaution नहीं लेना चाहिए? वी शुड नेवर टच ए लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन, क्या हमें टच करना चाहिए एक ऐसे बल्ब को जो हमारी मेन सप्लाई से कनेक्टेड हो? मेन सप्लाई मीन्स बहुत ज्यादा करंट आ रहा है जिसमें, तो वो उससे हमें टच नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और अ जनरेटर और एन इन्वर्टर। हमें क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर यूज जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ अ फ्यूज, कि हम कोई भी वायर लगा दें, ये वायर मेरी टूट गई और मुझे नई वायर लगानी है, तो मैं कोई भी वायर उठाकर लगा दूं? कौन नो सी वायर लगती है यहाँ पर? यस, मतलब वाई विद लो रेजिस्टेंस वायर विथ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो। ठीक है बच्चे, चलिए आगे। वी शुड नेवर टर्न द स्विच इन ऑन पोजिशन, क्या हमें कभी स्विच टर्न करना ही नहीं चाहिए ऑन पोजिशन में? करना करना चाहिए मैम। चाहिए ना। सो कौन सा आंसर राइट आएगा इसके अंदर? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ऑप्शन, हमें डी क्या, ऑप्शन। हाँ, शुड प्रिकॉशन नीड नॉट बी टेकन, हमें स्विच ऑन करने के टाइम को ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है, बस एक ही होता है कि आपके हैंड वेट ना हो मेनली। ठीक है, बाकी केसेस में तो हमें बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ओके जी, चलिए नाउ द की इस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ कौन रीड करेगा मेरे पास आकर? कौन कहना बोल रहा है? है 67 जी बी की टर्न आ गई है इस बार भी? सेवेंथ डी की भी नहीं आई है। सेवेंथ डी काजल, सेवेंथ डी काजल। हां जी बेटा, आ जाओ जल्दी से, रीड दिस पैराग्राफ। While going science experiment in the lab regarding रिगार्डिंग heating effects of electric current such as the यस नाइक्रोम वायर, microwires which is an along of nitrons 80 degree and निकल 80% एंड क्रोमियम 20%। reason for using ferrous wire is that it has high melting point of 1000 400 डिग्री सेल्सियस, so it will be not melt easily and on passing high current and below बिकम्स
become very hot, a student asks few question to her teacher. हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why did the teacher use nichrome wire instead of copper wire in the sun? Copper wire teacher ने और nichrome wire हम कहना है? हम कहना है? Who is saying can I? Sanjay Srishti. आ जाओ बेटा, आ जाओ. मैम ए ऑप्शन नाइक्रोम वायर हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन कॉपर वायर. यस ठीक है, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा हमें हीटिंग इफेक्ट के लिए वायर चाहिए, हमें हीटिंग इफेक्ट के लिए चाहिए, फ्यूज वायर के लिए चाहिए होती तो हम कॉपर यूज कर लेते हैं, बट अभी मुझे चाहिए हीटिंग के लिए, तो हीटिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम? नाइक्रोम वायर, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नाइक्रोम वायर? ऐसे बोल दो बेटा, पैराग्राफ में है. ए ऑप्शन, ए ऑप्शन निकल 80% एंड क्रोमियम 20%. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट. विच प्रॉपर्टी ऑफ द नाइक्रोम वायर मेक्स इट सुइटेबल फॉर द एक्सपेरिमेंट? मैम इट हैज अ हाई मेल्टिंग, बिल्कुल हाई मेल्टिंग पॉइंट. यस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ वायर विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट इन द एक्सपेरिमेंट? हाँ जी, अब इसका पर्पस क्या है, हम हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली वायर क्यों यूज कर रहे हैं? मैम ए ऑप्शन टू इंश्योर द वायर डज नॉट ब्रेक इजीली. ओके, कोई और ऑप्शन जो बेटर लग रही हो? सारे रीड करते हैं एक बार. टू इंश्योर द वायर डज नॉट ब्रेक इजीली, ठीक है हम ये यूज कर सकते हैं. टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ओके. To allow more current to flow through the wire. C option. To make the wire more flexible. So, देखो D तो बिल्कुल भी नहीं है. Flexibility का हमारे पास यहाँ पे अभी कोई काम नहीं है. To increase the resistance of the wire. अगर wire का resistance ज्यादा हो गया तो क्या होगा? Current कम flow करेगा. बेटा वैसे अगर इसमें देखा जाए ना तो सारे तीनों ही करेक्ट जा रहे हैं. To ensure the wire does not break easily. ये भी जा सकते हैं, क्योंकि नाइक्रोम वायर का काम ही यही है कि वो मेल्ट इजीली ना हो. इसमें ऑप्शन नहीं दी हुई. डी ऑप्शन है बेटा, कट करके लिख लो. ऑल ऑफ द अबव, कट द डी ऑप्शन एंड राइट ऑल ऑफ द अबव. नहीं रुको रुको रुको, बोथ ए एंड बी कर लो बेटा. डी ऑप्शन में लिखो बोथ ए एंड बी. ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि वायर एक तो मेल्ट ना हो जल्दी से, उसमें से अच्छे से करंट पास हो जाए, और टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. जो एलॉयज होते हैं ना बेटा, उनकी रेजिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है. एलॉयज रेजिस्टेंस क्या होती है? जो करंट फ्लो होने से चीज रोकती है, एक ही मार्कर है मेरे पास. इसमें से करंट फ्लो नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है. जिस चीज में से करंट इजीली फ्लो हो गया, इट मींस उसका रेजिस्टेंस कम है. ठीक है, तो नाइक्रोम वायर क्या करती है? रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, और दिस इज वन ऑफ द रीजन. तो इसका बोथ ए एंड बी कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं. टीचर हैज वाउंड अ लॉन्ग इंसुलेटेड पीस ऑफ वायर अराउंड एन आयरन नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल. थ्री एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ सेल टू अ स्विच एज सम पिन्स आर प्लेस्ड नियर द एंड्स ऑफ द नेल. डू द पिन्स अट्रैक्ट बाय द नेल? ये आपको याद है, मैंने कुछ दिन आपको दिखाया था इलेक्ट्रोमैग्नेट का हल्का सा, वो सीजर को अट्रैक्ट कर रहे, सीजर की तरफ जा रहे है ना? यस इट विल अट्रैक्ट. विल अट्रैक्ट, क्यों अट्रैक्ट करेगी? यस सेवेंथ जी फर्स्ट गर्ल जो आगे बैठे है बेंच पे. हां जी बेटा. मैम बिकॉज मैग्नेटिक, बिकॉज जब करंट
जो आयरन नेल है वो एज अ मैग्नेट काम करने लग जाएगा, इट विल बिकम अ मैम, मैग्नेट। बिकॉज दे वर्क लाइक अ मैग्नेट. हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास होने से बना तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेट। इज इट क्लियर? सो यस इज द राइट आंसर। विच इफेक्ट ऑफ द करंट इज शोन बाय द अबव एक्सपेरिमेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, राइट। व्हाट विल हैपन इफ द करंट इज इंक्रीज्ड? अगर करंट इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? आप क्या ऑब्जर्व करोगे ज्यादा करंट से? कि ज्यादा पिन्स अट्रैक्ट हो रही हैं। पहले अगर टू पिन्स अट्रैक्ट हुई थी तो अब करंट इंक्रीज करने से मोर देन टू अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, लिख लीजिए, मोर पिन्स मोर नेल विल बी अट्रैक्टेड। मोर नेल विल बी अट्रैक्टेड। नाउ द डी पार्ट, डी पार्ट व्हाट विल हैपन इफ मोर देन वन सेल्स आर अटैच्ड इन द अबव सर्किट? अगर एक से ज्यादा सेल इंक्रीज कर दें, अभी तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ना बीच में, ये सिंबल है एक ही सेल का, दिस इज अ सिंबल फॉर सिंगल सेल। अगर ऐसे हम ज्यादा सेल लगा दें, जब बैटरी बना दें, बेसिकली सेल ना लेकर हम उसकी बैटरी बनाकर लगा लें, तो क्या होगा? ज्यादा बैटरीज मींस ज्यादा मैम, करंट, है ना? तो ज्यादा करंट पावर. मींस ज्यादा अट्रैक्शन ऑफ पिन्स टुवर्ड्स द नेल। ठीक है बच्चे, लिखिए, इसे लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ करंट विल इंक्रीज, अमाउंट ऑफ करंट विल इंक्रीज लास्ट बेंचर्स. हाँ जी, अगेन, व्हाट विल हैपन इफ इंस्टेड ऑफ नेल वायर इज रैप्ड अराउंड प्लास्टिक स्ट्रॉ? अगर वायर को प्लास्टिक स्ट्रॉ के अगेंस्ट रैप कर दिया जाए, जैसे ये प्लास्टिक का पेन है, इसके अगेंस्ट अगर वायर को रैप कर दिया जाए तो क्या ये पेन मेरा मैग्नेट बन जाएगा? नो मैग्नेटिक इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन मैग्नेटिक. नॉन मैग्नेटिक, और इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड भी लिख सकते हो, कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं तो मैग्नेटिक कैसे बनेगा ये मैग्नेट? ठीक है, लिख लीजिए, नो अट्रैक्शन ऑफ आयरन नेल, नो अट्रैक्शन ऑफ आयरन नेल विल टेक प्लेस बिकॉज प्लास्टिक विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हेंस विल नॉट कन्वर्ट इंटू अ मैग्नेट, एंड विल नॉट कन्वर्ट इंटू अ मैग्नेट। यस डन। मैम, चलिए लास्ट पार्ट, व्हाट विल हैपन इफ नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ द वायर रैप्ड अराउंड द नेल इज इंक्रीज्ड? ये वायर है, इसके अराउंड मैंने पहले बहुत खुले खुले सी रैपिंग की थी, थोड़ी बहुत, ठीक है, 8 to 10 times आई हैव रैप, बट अब मैंने 20 times रैप कर दिया इसके ऊपर वायर को। नाउ व्हाट विल हैपन? इट विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और द मैग्नेट रिमेन एज इट इज। द पावर ऑफ मैग्नेट विल बिकम मोर इंक्रीज. ओके, ये 7G, ये फर्स्ट कॉर्नर पे जो स्टूडेंट है ये बहुत देर से हैंड रेज कर रही है। आ जाओ बेटा, हाँ जी हाँ जी, बताइए जरा। बताइए.
Ma'am, the magnet will be increased. The power of magnet will be increased. Power of the magnet will increase. Likhiye. The strength of the electromagnet will increase. The strength of the electromagnet will increase. Yes, electric bell works on the principle. कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है इलेक्ट्रिक बेल? आ जाओ मैम, बी ऑप्शन. यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी. हमने देखा था ना, हमने तो करंट पास किया, स्विच ऑन किया था. कल हमने एनिमेशन देखी थी लास्ट क्लास में, स्विच ऑन किया, करंट चल रहा है, और जो गोंग है कहाँ पर जाकर बज रहा है, जो हैमर है वो कहाँ जाके हिट कर रहा है, गोंग के ऊपर. मतलब हमने स्विच ऑन किया और साउंड आई. हम स्विच हटा देते हैं तो साउंड बंद, स्विच फिर से प्रेस किया तो साउंड आती है, राइट? तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी. क्लियर बच्चे? व्हाट हैपेंस व्हेन ए मैग्नेटिक कंपास इज ब्रॉट नियर अ करंट कैरिंग वायर? मैम कहना है, समवन एल्स फ्रॉम सेवेंथ सेवेंथ सी ऑप्शन. सी ऑप्शन. इट द राइट ऑप्शन इज सी बेटा, द राइट ऑप्शन इज सी. मैग्नेटिक मीटर ऐसी होती है, कुछ नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं जिसके पास, और जब इसके आसपास करंट होगा ना, किसी भी फॉर्म में जब भी करंट होगा तो ये नीडल हिलने लग जाएगी. ठीक है, सो इट इज डिफ्लेक्शन, सी पार्ट. Now the 23rd question, when the strength of the current flowing through a coil is increased, which of the following statement will be true for it? When the strength of the current, agar current ko increase kar denge, yes, anyone from the 7th C? 7th C? Ramkrishan, 7th C Ramkrishan. ओके, और कौन बताएगा मुझे? गुरप्रीत सिंह, सेवन सी. कहना है पूछ लेती हूँ, पूछ लेती हूँ, एक मिनट. सेवन सी गुरप्रीत. हाँ जी बेटा, गुरप्रीत. यस, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी. अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी. स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ड्यू टू द रेजिस्टेंस डिक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन कॉन्स्टेंट. यस बेटा, क्या राइट आंसर होगा? ए. ध्यान से पढ़ो, अगर करंट ज्यादा कर देते हैं तो बेटा. मैम कहना है, सेवेंथ डी. यस, लास्ट बेंच पे मुझे जो यहाँ से दिख रहे स्टूडेंट बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, आ जाओ. जिसने भी सीधा खड़ा कर दिया हाथ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. आप यहीं पे रहना गुरप्रीत, एक मिनट. हाँ जी बेटा, मैम बी ऑप्शन. ठीक है, वो बैठे हो सीट बेटा. गुरप्रीत बेटा, जब भी करंट इंक्रीज होता है ना, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ती है, कभी भी डिक्रीज नहीं होगी. करंट एक ऐसी चीज है जो हमेशा मैग्नेटिक इफेक्ट को इंक्रीज करेगी. ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखो, करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है. एक सेल लगाओगे तो कम करंट, ज्यादा करंट. ठीक है, मैग्नेटिक, अभी हमने पढ़ा ना कि आयरन ये ज्यादा पिंस को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, चलिए 24th क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट द बल्ब ए बी और सी विल नॉट ग्लो? किस केस में बल्ब, तीनों ही बल्ब ग्लो नहीं करेंगे? दो ही डायग्राम आगे दिए, ए एंड बी, सी एंड डी भी है. किस केस में बल्ब ग्लो A and B option.
में ऑप्शन ए में बल्ब ग्लो करने ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हाँ जी, स्विचेस की इज ओपन, बाकी सब में जो की है वो क्या है, क्लोज्ड है। डी में भी नहीं है बेटा क्लोज, डी में भी ओपन है। एंड डी ऑप्शन, ए एंड डी दोनों में ग्लो नहीं करेंगे बेटा, बट डी ऑप्शन में सी बल्ब नहीं है, ठीक है? तो अगर ए की ऑप्शन चूज करनी हो तो ए ऑप्शन आएगी, अगर मोर देन वन की ऑप्शन मिलती है आपको तो ए और डी दोनों आ जाएगा। देखो ए में देखो की कैसे है, ऐसे है ओपन, और बाकियों में ऐसे क्लोज है, ठीक है? तो जहां पर की क्लोज होंगी वहीं पर बल्ब ग्लो करेंगे, ठीक है बच्चे? यस चलिए, सो ए एंड डी विल बी द राइट आंसर, पर डी में हमारे यस पास बल्ब सी नहीं है, वो ए बी और सी बल्ब की बात कर रहे हैं। तो बी वेरी केयरफुल, क्वेश्चन किस सेंस में आपसे पूछा गया है। हाँ जी, व्हेन द स्विच इज ऑन बल्ब सी विल ग्लो फर्स्ट, बल्ब बी एंड सी विल ग्लो साइमल्टेनियसली एंड बल्ब ए विल ग्लो आफ्टर सम टाइम। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, जो तीन बल्ब लगे हुए हैं ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? यस सीरीज में है। सीरीज में है, तो सीरीज में कैसे ग्लो करेंगे, एकदम से ग्लो करते हैं कि रुक रुक के ग्लो करेंगे? रुक रुक के सीरीज कौन कह रहा है रुक रुक के? एकदम से एकदम से आ गया। चलो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, मार्क कर लो इसको, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है? जब भी कोई हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना तो आई विल, मेरे को याद करवाना, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, क्योंकि अभी ये टाइम लेगा थोड़ा सा क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर बताना तो मैं बता सकती थी, बट हम इसको रुक के करते हैं। आगे आ जाइए, इज द टाइम ओवर? यस ओके चलिए एक कर लें 26 क्वेश्चन, टीचर्स अगर टाइम है तो 2 मिनट मिल सकते हैं तो। चलिए 26 देख लो बेटा, बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द सर्किट्स कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इन सीरीज। फर्स्ट सर्किट कैसे कनेक्टेड है, वो सीरीज में है या पैरेलल में है? अच्छा बेटा फर्स्ट वाला तो सीरीज में है, अगर आप इसको देखो एक ही वायर के साथ सारे लगे हुए हैं, इकट्ठे लगे हुए हैं ना सारे, कहीं भी अनदर वायर तो मिल नहीं रही है इनको तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए, दे ऑल आर ऐसे ऐसे, उसको सीधा कर लो आप, क्या है ढोल घुमा लो, दे आर ऑल आर इन सीरीज, ए में वो सारे सीरीज में कनेक्टेड है। हाँ जी बेटा बताओ क्या कहना चाह रहे हो, 7G बी में कैसे कनेक्टेड है सेकंड पार्ट में, हाउ दे आर कनेक्टेड इन बी पार्ट? पैरेलल बेटा, एक तो आपको बोर्ड पे विजिबल नहीं हो रहा है ना क्लियरली, नहीं तो मैं बोर्ड पे ही समझा देती हूँ। इस तरीके से कनेक्टेड है बस, ऊपर नीचे अलग अलग वायर्स के साथ, ठीक है? इसकी वायर अलग है और इसकी वायर अलग है, ठीक है? जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, तीन बल्ब थे ऐसे थे और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक बल्ब जो थी ना वो कॉन्टिन्यूटी में थे, देखो ऐसे एक ही वायर के साथ, तो ये सीरीज में था। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक वायर इधर जा रही है एक वायर ऊपर आ रही है, तो ये कनेक्शन क्या है आपके, पैरेलल में, ठीक है? चलिए बस आपका बेटा थर्ड और फोर्थ पार्ट, दो तीन क्वेश्चन ही रह गए हैं, रेस्ट वी हैव कंप्लीटेड। अगर देखते हैं अगर कोई भी नेक्स्ट क्लास के साथ अगर ये क्वेश्चन एडजस्ट हो सके, अदरवाइज ट्राई टू डू इट योर सेल्फ, ठीक है? अगर मैम मुझे बोलेंगे तो आई विल सेंड यू द आंसर्स, ठीक है जी? चलिए ओके, द आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। किसका बेटा? हाय मैम।
26 में तो ऑप्शन नहीं पूछी, उनमें से हर एक सर्किट में पूछा गया है कि इसमें सीरीज में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा है, एबीसीडी वाला क्वेश्चन नहीं है ये। हर इंडिविजुअल पार्ट का बताना, फर्स्ट पार्ट कैसे कनेक्टेड है, सेकंड पार्ट, ये चार क्वेश्चन है आपके 26 पार्ट में, ठीक है? ओके बेटा, ओके ओके, बाय एवरीवन, बाय मैम, थैंक्स फॉर टीचिंग अस, बाय बेटा, बाय बाय।